बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने टाइप किया है कि हाउ टू बी सक्सेस इन लाइफ, अब जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपने ये एक बेहतरीन किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कामयाबी का एक पूरा का पूरा फलसफा मौजूद है। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत कम ऐसी वीडियोज़ हैं जो पसंद आती है, लेकिन जो मुझे पसंद आता है वो यकीनन एक उसमें एक सबक होता है और एक बड़ी एक यूनिक वीडियो होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कामयाबी को कैसे हासिल किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जो कि है रुथ बेशिया की, जो कि एक स्पेनिश हाई जंपर एक फीमेल है, और इन्होंने एक सबक दिया है जो कि 1916 में वर्ल्ड चैम्पियन बनी। तो आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये बन गई है 2016 में ओलंपिक चैंपियंस इन हाई जंपर रियो वर्ल्ड चैंपियन, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया 2016 में, और इन्होंने पहले कोशिश की थी 2004 में। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की 2004 से। अगर आप गिव अप नहीं करते, आप हौसला नहीं हारते, आप बार बार कोशिश करते हैं, आपको इस बात का यकीन है कि मैं कामयाब हो सकता हूं, तो आप यकीन मानिए कि अल्लाह आपको कभी भी जो है वो नाकाम नहीं होने देगा। अच्छा देखें रुथ बेशिया को 2004 से 4 साल बाद, 8 में फिर फेल, 4 में फेल, 8 में फेल, 12 में फेल, 2016 में इन्होंने साबित किया कि अगर आप साबित कदम रहें, अगर आप लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दें, अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से नहीं रोक सकती। और अंदाज़ लगाएं ये लंबा सफ़र है, 12 साल की तवील इन्होंने सब्र से काम लिया है, और कामयाबी के लिए सब्र, अनडिफाइंड पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। ये एक बेहतरीन सबक इन्होंने दिया है, नेवर गिव अप, कभी भी हार ना माने, कभी भी दस्तबरदार ना हो, लोगों की बातों की फिक्र ना करें। लोग कहेंगे कि पहले पिछली दफ़ा भी नाकाम हुआ था, फिर आ गए हैं, फिर नाकाम हुआ, फिर आप फेल हो गए हैं, तो आपने आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। अब वर्ल्ड चैम्पियन का मकसद ये है कि आपका जो गोल है उसको आप किसी भी सूरत में अचीव कर सकते हैं, किसी भी सूरत में आप गिव अप ना करें, हौसला रखें, पेशेंस रखें। तो ये वीडियो का शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, आप भी दुनिया में गोल्ड मेडल जो है वो हासिल कर सकते हैं, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो। ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की है जो कि रुथ बेशिया ने साबित किया है। तो एक बड़ी बेहतरीन वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हौसला रखें, हिम्मत रखें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।